सर मेरा नाम देवराज है, मैं फटाका एसोसिएशन का व्यापारी हूँ और हम हर वर्ष फटाकों की दुकान लगाते हैं आदर्श स्टेडियम में और नगर परिषद हमें आदर्श स्टेडियम में ही स्थान देता है। लेकिन अब की बार नगर परिषद ने पता नहीं क्यों कोई सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान न रखते हुए हमें स्टेडियम में ऐसी जगह हमें जगह नक्शा बना के दिया है, ऐसी जगह दुकानें लगा रहे हैं जहाँ पीछे बबूल के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और पीछे आवासीय कॉलोनी भी है और ऊपर लाइट की तारें हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति है उस जगह पर दुकानें लगाना मतलब मौत को न्योता देने के बराबर है। अगर वहाँ पर जन हानि होती है या फिर इंसान कोई मरता है या फिर धन हानि होती है तो उसका भरपाई कौन, उसका जवाबदेही कौन लेगा? प्रशासन अगर हमें उस जगह दुकानें लगा के देगा तो 100% 100% है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, वहाँ पर होगा तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? हम ये जवाबदेही मांगने के लिए या अन्यथा नक्शा बदल के हमें कंटिन्यू जितने सालों से जहाँ पर नक्शा देते आ रहे हैं उस जगह दे दे। अगर वो बता रहे हैं कि स्टेडियम के बीच के मैदान के अंदर कोई चुनावी सभा हो सकती है तो टंकी के पास में पहले जगह थी, टंकी के पास में हमें जगह दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ऐसी जगह तय की गई है जहाँ पर न तो जो सुरक्षा का मापदंड होता है जिसके अंदर जो गैप होता है 40 फुट 35 फुट वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है और अपनी मर्जी से एक और तीनों तरफ से रास्ता ब्लॉक है, तीनों तरफ चार दीवारी है। ना तो अगर आगजनी होती है तो इंसान कहीं नहीं भाग सकता, भगदड़ होने के बाद वहां मरना निश्चित है। इस तरह की भयानक स्थिति में हमें नक्शा दिया जा रहा है, हमें मारने के लिए नगर परिषद ने इतनी खतरनाक जगह क्यों सूझ की है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर दुर्घटना होगी, दुर्घटना की जवाबदेही अगर कुछ होता है तो उसकी प्रशासन की और नगर परिषद की जवाबदेही रहेगी। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब और एसपी साहब सबको ज्ञापन देंगे और सबसे निवेदन करेंगे हमारी नक्शे को बदला जाए और जो पहले नक्शा था उसी नक्शे पर हमें जगह दी जाए। विजुल कर लो तब तक कॉपी थोड़ी हमें रखे आई है किलेट कॉल आवे पर लागे लागे क्या बोल लो क्या पन है ये दिखता तो है अभी अभी सब